हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गर्भ गुरु में। मैं आपकी मेंटर, आपकी फ्रेंड, आपकी गुरु, आपके साथ हूँ आपकी ब्यूटीफुल जर्नी में। जो प्रेगनेंसी होती है वो खुशी के साथ साथ कंफ्यूजन भी लेकर आती है, और स्पेशली जब आप पहली बार माँ बनने जाते हो तो आपको लगेगा कि भाई खाओगे, पियोगे, उठोगे, कुछ भी करोगे, कि एक ही थॉट्स होगी माइंड में कि भाई मेरे बच्चे को इससे कोई हार्म तो नहीं हो रही, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो जो कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पर हर कन्फ्यूज़न का सवाल का आंसर मिल जाएगा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, अर्ली प्रेगनेंसी में आपको कौन कौन से सिम्टम्स का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होगी, आपके मेंटल लेवल पर, इमोशंस लेवल पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो मेरे साथ बने रहेगा आखिर तक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहला सिम्टम है नोजिया एंड वोमिटिंग। आपको प्रेगनेंसी का पता तो तब चलेगा जब 30 डेज के ऊपर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि भाई मुझे पीरियड मिस हुआ है, शायद प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही आपका बेबी, आपका प्लेसेंट आपको बता देगा भाई इस महीने में अंदर आ चुका हूँ। तो नोजिया वोमिटिंग फीलिंग आपको स्टार्ट हो जाएगी, और ये इसका पीछे का रीज़न है एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी स्टमक में फूड प्रोसेसिंग होती है, जो एम्प्टी अर्ली एम्प्टिंग हो जाती है, वो ठीक से अब नहीं होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो उसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग आती रहती है। और वोमिटिंग प्रॉपर ना हो तो भी पूरा दिन आपको यहाँ पर कुछ फूड रह जाता है या फिर बाहर आ जाएगा, अभी ऐसी फीलिंग आएगी, सलाइवा सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और दूसरा सिम्टम है ब्रेस्ट टेंडरनेस। जो आपकी निपल होगी वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएगी, आपकी ब्रेस्ट से पहनेंगे वो टच होगी तो भी वहाँ पर पेन रहेगा, थोड़ी सी टाइटनेस फीलिंग आएगी। और जब आप वो स्टेयर अप डाउन करेंगे तो उसके साथ साथ जो भी जंप आएगा तो उसके साथ वहाँ पर पेन फीलिंग होगी। तो दूसरा सिम्टम है टेंडरनेस। तीसरा सिम्टम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि मेंसेस के 15 या 20 दिनों के बीच में आपको सिर्फ एक माइनर स्पॉटिंग जैसा होगा। और वो क्यों होते हैं, बच्चा फेलोपियन ट्यूब में से आकर जब यूट्रस में चिपकेगा तो वहाँ पर थोड़ी सी खुदाई तो करनी पड़ेगी अंदर रहने के लिए, तो उसकी जो ब्लीडिंग होगी वो बाहर आएगी स्पॉटिंग के रूप में, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। एक और सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पूरी की पूरी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्लो डाउन हो जाएगी, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसमें काम करेगा, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक और सिम्टम है वो है टायर्डनेस। अब आपको लगेगा कि भाई मैं थोड़ा सा काम करने पर थक जाती थी, पहले तो मुझे नहीं होता था, तो टायर्डनेस आ जाएगी और स्लाइट माइनर हेडेक जैसा फील होगा, डिजीनेस, चक्कर आने लगेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी जो भी ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी सी डायलेट हो गई और ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन चला जाएगा उसकी वजह से। तो उसकी वजह से ये फेंटनेस, डिजीनेस, थकान, चक्कर आना, हेडेक होना, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। और एक और रीज़न है कि पहले ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 3 महीने में बेबी को डेवलप होने के लिए ज़्यादा शुगर चाहिए, तो वो शुगर कहाँ से आएगी, आपकी बॉडी से ही। तो आपकी बॉडी की जो शुगर है वो बच्चा काम कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा उसके ग्रोथ के लिए, तो आपको थोड़ी सी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी, यानी कि आपकी शुगर डाउन हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम्स होते रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले 3 महीने में ज़्यादा शुगर इंटेक करना चाहिए, यानी कि आप ग्लूकोज पाउडर ज़्यादा पीजिए, फिर स्वीट खाइए, खीर है, शीरा है, राब है, ये सब खाना आप बढ़ा दीजिए, ग्लूकोज इंटेक आप पहले 3 महीने में बढ़ा देना। तो इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आपको फील नहीं होंगे, ना ही थकान, ना ही चक्कर, ना ही हेडेक, ये सारे सिम्टम्स फील नहीं होंगे। फिर बात आती है मेन सिम्टम की, यानी कि मूड स्विंग। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट आप हंसेंगे, दूसरे मिनट आपको रोने का मन करेगा, छोटी सी बात जो पहले बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती थी आपको, वो अब आपको रुला भी दे सकती है। और 2 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा भाई इसमें रोने वाली बात क्या थी, मुझे इतना क्यों सब बात फील हो रही, मैं इतनी टची क्यों गई हो। तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सारे काम जो कर रही है इसके पीछे है हॉर्मोन्स, जो बेबी हॉर्मोन्स होते हैं उसकी वजह से ये थोड़ी सी टचीनेस बढ़ जाएगी। और एक इसी में ही सिम्टम्स है वो है फूड क्रेविंग आपकी अब अल्टर हो जाएगी, यानी कि पहले जो चीज़ आपको अच्छी लगती थी वो अब आपको अच्छी नहीं लगेगी। रोटी के सामने देखेंगे तो आपको नोजिया या वोमिट तक हो जाएगी कि भाई मुझे रोटी नहीं खानी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ दाल चावल अच्छे लगते हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिसको दाल चावल देखना भी पसंद नहीं आते, कोई स्पेसिफिक
स्मेल होती है वो उसको वोमिट करा देगी। कई ऐसी लेडी को भी मैंने देखा है जो 5 या 6 महीने तक किचन में भी पैर नहीं रख सकती, जब भी वो कुछ भी दाल या सब्जी बनाएगी तो वोमिट हो जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा हाइपर सेंसिटिविटी कोई भी स्मेल की तरफ उसकी हो जाएगी। तो ये 2 सिम्टम्स मेन होते हैं जो बहुत परेशान कर देता है पूरे की पूरी प्रेगनेंसी में। और एक सिम्टम ये है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको विंटर में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उसको ठंड फील ही नहीं होती, उसका बॉडी टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री बढ़ा ही रहता है, उसको ऐसा लगेगा अभी मुझे फीवर है अंदर से ऐसा लगेगा, तो वो अंदर के हार्मोन की वजह से है। तो टेंशन मत लो, थोड़ी सी आप एसी में रहने की आदत डाल दो तो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये एक सिम्टम होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम थे जो कॉमन है, लेकिन हर प्रेगनेंसी में हर लेडी का अपना एक सिम्टम होता है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब क्या होता था, मुझे जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे मुझे दाल चावल अच्छे नहीं लगते थे, और ऐसा ही नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान ही, अभी मेरी बेबी 2 साल की हो गई है, मैंने ये 3 साल में दाल चावल नहीं छुए, अभी भी मैं दाल चावल को देखती हूँ तो मुझे वोमिट आ जाती अभी तक, 2 साल हो गए। तो आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर रख लेना कि भाई ये कॉमन ये होने वाली है। हर एक लेडी स्पेशल होती है, हर एक लेडी के सिम्टम स्पेशल होते हैं, अलग होते हैं। आपके क्या सिम्टम्स है, आपकी क्या एक्स्ट्रा अभी बैंड बज रही है वो मुझे कमेंट में लिखना ना भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल की एक खास बात और है कि मैं यहाँ पर आपके साथ नानीज नोट शेयर करने वाली हूँ। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो दादी नानी लोग हैं, उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे घरेलू उपाय होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारे बच्चे को ग्रोथ अच्छी करे, उसका IQ लेवल बढ़ाए और उसको कोई भी हार्म ना होने दे। तो वो नानीज नोट मैं आपके साथ डेली स्टोरी में शेयर करने वाली हूँ, और इसमें आप हेल्प कर सकते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी दादी नानी जो भी बोल रही है, जो भी आपको सजेशन दे रही है, या उसकी जो बिलीफ है, आप वो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, और उसके साथ हैशटैग डालना मत भूलिएगा नानीज नोट, #NannysNote, और आपकी जो दादी नानी बोल रही है वो आप वहाँ पर लिख दीजिए। तो दूसरे दिन आपके नाम के साथ, यानी कि नानीज नोट सेव बाय रश्मि, और उसकी जो नोट है वो मैं बोलूँगी, तो आपके नाम के साथ मैं वो नोट शेयर करूँगी। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और बहुत सारी अपनी जो भी फ्रेंड्स है, जो भी ये प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आप हेल्प कर सकते हैं। तो पूरी कम्युनिटी हमारी जो बन जाएगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक फ्रेंडली एटमोसफेयर यहाँ डेवलप होगा, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो आज ही सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं लाने वाली हूँ। थ्रू आउट प्रेगनेंसी अच्छी रहे और उसके बाद भी अच्छी बनी रहे आपकी हेल्थ, आपके बेबी की हेल्थ। और हाँ फ्रेंड्स, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, बेल आइकॉन प्रेस कर दो और ये वीडियो को लाइक कर दो, पहले तो लाइक का बटन प्रेस कर दो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।